हेलो दोस्तों, आज देखेंगे अपन ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में सॉलिड एंड सेमी सॉलिड कंडक्टर डिवाइस के बारे में, ठीक है जी। जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग, अर्थात इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एस अन एम्पलीफायर, ठीक है जी। तो बात आती है ट्रांजिस्टर तो हम जानते हैं, लेकिन प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, प्रवर्धक वह उपकरण होता है जो परिवर्तित या प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज शक्ति को बढ़ा देती है। बोलने का मतलब है कि हम किसी चीज़ को 10 वाट दे रहे हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं जी, 10 वाट का वोल्ट दे रहे हैं, ऐसे करके मान लीजिए इसको 10 वाट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रवर्धक क्या करेगा, इसको 12 वाट कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रवर्धक। तो इसकी परिभाषा लिख लें क्या, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे जी, तो प्रवर्धक वह उपकरण है जो परिवर्तित या प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज की शक्ति को बढ़ा देती है। ठीक है जी दोस्तों। तो और आगे देखेंगे तो इसमें और क्या सकते हैं, जो निर्मल प्रत्यावर्ती या प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को प्रबल प्रत्यावर्ती या प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज में बढ़ा देती है। वही है कि अगर मान लीजिए कोई निर्मल है, मतलब ट्रांजिस्टर बोलने का मतलब जैसे स्टेबलाइजर जो अगर यूज होता है तो उसमें क्या लगा रहता है, ट्रांजिस्टर लगा रहता है। अपने पास अगर कम वाट की कोई भी चीज़ है, अब फ्रिज है, कूलर है, कुछ भी चीज़ है, अगर उसको चलाना है अपने को, तो अपन क्या करते हैं, स्टेबलाइजर लगाते हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, अपन बढ़ा रहे हैं ना जी शक्ति को, ठीक है जी दोस्तों। तो अब इसमें देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर होता क्या है, तो देखिए इसके अनुप्रयोग देखेंगे अपन। तो देखिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है जी दोस्तों। उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। तो देखिए धनात्मक विभव पर रखा गया उत्सर्जक को। फिर आगे देखते हैं निवेश सिग्नल जिसे प्रवर्धक कहते हैं, यहाँ पे निवेश कर रहा है सिग्नल जिसे प्रवर्धक कहते हैं, और निर्गत सिग्नल, एक निवेश सिग्नल है एक निर्गत सिग्नल है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखेंगे आधार और उत्सर्जक के बीच आरोपित करते हैं, आधार और उत्सर्जक के बीच निवेश सिग्नल को आरोपित करते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं ना। फिर आगे देखेंगे संग्राहक परिपथ में उच्च प्रतिरोध आर जोड़ देते हैं। अब संग्राहक परिपथ में उच्च प्रतिरोध आर जोड़ देते हैं, मतलब रेजिस्टेंस जोड़ दे रहे हैं, बोल रहे हैं ये रेजिस्टेंस को जोड़ दिए हैं हमने। फिर अब इसकी कार्य विधि देखेंगे तो आधार उत्सर्जक के बीच निवेश सिग्नल लगाने से पूर्व आधार धारा उत्सर्जक और संग्राहक धारा के मान क्रमशः IB, IE और IC होता है, तो किरचॉफ के नियम से, ठीक है दोस्तों। देखिए कार्यविधि में बोल रहा है कि IE इक्वल हो जाएगा IC प्लस IB, ये किस नियम से है जी, किरचॉफ, ठीक है दोस्तों, किरचॉफ नियम से। और आगे देखेंगे, अब बात आती है किरचॉफ का नियम किसमें प्रयोग होता है, किरचॉफ का नियम किसमें प्रयोग होता है, अगर बात आता है तो उसको कैसे बताएंगे जी दोस्तों। तो किसमें बोलेंगे, विद्युत धारा में प्रयोग होता है किरचॉफ का नियम। अब इसमें क्या है, संग्राहक धारा IC है, यहाँ पे IC क्या है पूछेगा आपको, तो क्या बोलेंगे जी, संग्राहक
धारा बोलेंगे, ठीक है। आर को बोल देंगे लोड, आर क्या है, लोड है, ठीक है दोस्तों। और सिरों के बीच विभव का पतन आई सी होता है, ठीक है। यदि संग्राहक और उत्सर्जक के बीच का विभव संग्राहक वोल्टेज, अब संग्राहक वोल्टेज क्या हो जाएगा जी, वी सी, ठीक है। तो अब वी सी हो तो कैसे करेंगे, वी सी हो तो संग्राहक के बीच में, तो आई नहीं, आई नहीं होगा, वी सी ई माइनस आई सी आर हो जाएगा, ए ओम के नियम से आ रहा है, ये तो सबको पता है, तो इसको समीकरण एक नाम दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर आगे देखेंगे, जब उत्सर्जक धारा परिपथ में निवेश सिग्नल को आरोपित किया जाता है तो उत्सर्जक वोल्टेज में परिवर्तित होने के कारण उत्सर्जक धारा आई ई में परिवर्तित होता है, फलस्वरूप संग्राहक धारा आई सी में परिवर्तित हो जाता है, अतः समीकरण एक में संग्राहक वोल्टेज वी सी में परिवर्तन हो जाता है, सही बात है जी। परिवर्तित प्रवर्धित रूप से निवेश सिग्नल के रूप में प्राप्त होता है, निवेश सिग्नल के धनात्मक अर्ध चक्र में उत्सर्जक के सापेक्ष आधार का विभव कम धनात्मक होता है, जिसे संग्राहक धारा आई सी का मान कम होता है। समीकरण एक के अनुसार संग्राहक वोल्टेज वी सी का मान बढ़ा देते हैं, चूंकि संग्राहक बैटरी और वी सी ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। ये देखिए वी सी को किससे जोड़ दे रहे हैं, वी सी को किससे जोड़ देते हैं जी, तो ऋण सिरा से जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर इस ऋण सिरा को अर्धचक्र उत्सर्जक के सापेक्ष आधार के विभव में अधिक अधिक ऋणात्मक होता है, जिसका संग्राहक धारा आई सी का मान बढ़ा जाता है, फलस्वरूप समीकरण एक के अनुसार संग्राहक वोल्टेज वी सी का मान इस प्रकार निवेश सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र के निर्गत सिग्नल का ऋणात्मक अर्धचक्र तथा निवेश सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्र सिग्नल के आधार अर्धचक्र प्राप्त होता है, ठीक है जी। तो इससे स्पष्ट है कि निवेश सिग्नल और निर्गत सिग्नल 180 का कालांतर होता है। देखिए निवेश सिग्नल और निर्गत सिग्नल कितने एक सापेक्ष हैं, दोनों एक एक दिशा में हैं, तो इसको बोल सकते हैं कि एक 101 ये कितने डिग्री में है, 180 डिग्री में है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, निवेश और निर्गत सिग्नल में 180 डिग्री का कालांतर होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों।